अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से मिनिमम एक डिस्टेंस कंप्यूट किया जा सकता है। एक टॉय एग्जांपल लेंगे और उस पर मिनिमम एडेड डिस्टेंस एल्गोरिथम को रन करेंगे। और जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे दैट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, आई होप कि आप लोगों ने अंडरग्रेड के कोर्स में पढ़ा होगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं चाहूँगा। सो यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो ये है कि हम अल्टीमेट गोल के सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने, तो हम स्मॉल सोर्स स्ट्रिंग को सोर्स स्ट्रिंग की स्मॉल कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे टारगेट स्ट्रिंग के स्मॉल सबसेट पे और उसकी कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। और जब हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारी कोशिश होगी कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मिनिमम कॉस्ट में हो, और देन मूव करते करते सोर्स स्ट्रिंग के मोर करेक्टर्स टारगेट स्ट्रिंग के मोर करेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। सो वी कंप्यूट डीआई फॉर द स्मॉल आईजे एंड कंप्यूट लार्जर डीआई बेस्ड ऑन द प्रीवियसली कंप्यूटेड स्मॉलर वैल्यूज, क्योंकि जो नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो लार्जर सबस्ट्रिंग की ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हम कंप्यूट करेंगे प्रीवियस वन से, और प्रीवियस वन से देखेंगे ये कौन सी स्मॉलर है। और ये टास्क हम फॉर ऑल स्ट्रिंग्स कंप्यूट करेंगे, सोर्स के लिए भी और टारगेट के लिए भी। सो ये एल्गोरिथम है, इससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो हम अप्रोच यूज करेंगे दैट इज लेवेंस्टाइन। लेवेंस्टाइन का मतलब ये है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उस वक्त हमारी जो कॉस्ट होगी वो 2 होगी। सो एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड हम ले लेते हैं कैट, और ये हमारे पास है सोर्स वर्ड, और जो हमारे पास टारगेट वर्ड है दैट इज HATS हैट्स। इट मींस के मेरे पास यहाँ पर n की जो वैल्यू है दैट इज 3 और m की वैल्यू है दैट इज 4। नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे जो कॉस्ट कंप्यूट करनी है दैट इज DMN, M ये वाली कॉस्ट कंप्यूट करनी है। अब ये इंडिकेट कह रहा है कि मुझे जो मैट्रिक्स बिल्ड करना है, जो एक मैट्रिक्स होगा जिसमें मैं क्रॉ कंप्यूट करूंगा, उसका जो साइज होगा, यहाँ पे मेरे पास जो कॉस्ट की साइज आया जो n है वो है 3, m में 4, तो जो मैट्रिक्स कंप्यूट करेंगे उसका जो साइज होगा वो होगा मैट्रिक्स का साइज, मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है दैट इज 4x5 का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे अब हम 4x5 का एक मैट्रिक्स बिल्ड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। नेक्स्ट, उसके बाद है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे DI,0 इज इक्वल टू I। तो आपको याद है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था n को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है m को, और ये है इसका, अगर इसका कलर चेंज कर लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आसानी हो जाएगी कि सो इसका जो इंडेक्स है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 है। और जब हम यहाँ पे कह रहे हैं DI,0 इट मीन्स के आई की वैल्यू अगर इनिशियली 1 है, आई की वैल्यू अगर आई की वैल्यू इनिशियली 1 है तो इट मीन्स मैं 1 को टारगेट के किसी भी कैरेक्टर पर मैप नहीं कर रहा 0 पे। सो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम हैश ले लेते हैं जो कि 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा HATS और यहाँ पे आ जाएगा CAT, और आप बेशक इसको यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है, ये 0 0 आ गया,
तो जब आप इसको फिल कह रहे हैं, तो अब होगा ये कि अगर हम इसको जीरो जीरो से स्टार्ट करें, इट मींस जो हैश है, हैश एम्प्टी, एम्प्टी पे ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा और इसकी कॉस्ट हमारे पास जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे ही करेंगे डी आई यानी वन कोमा जीरो, तो इसकी कॉस्ट हमारे पास आएगी वन। ये इंडिकेट कर रहा है कि सी को टारगेट के, ये टारगेट अगर है तो इसके हैश पे मैप करना है पहले कैरेक्टर को, तो सिर्फ इसको डिलीट करना पड़ेगा और इसकी कॉस्ट वन आएगी। सिमिलरली अगर मुझे डी टू जीरो करना है, इट मीन्स कि अब मुझे सी ए को डिलीट करना है और उसको मैप करना है नल स्ट्रिंग पे, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो टू। क्यों? क्योंकि टू तक पहुंचने के लिए मुझे दो करेक्टर्स को डिलीट करना है, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट आ गई टू। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डी थ्री कोमा जीरो इज इक्वल टू थ्री, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि सी ए टी को अगर मुझे नल से रिप्लेस करना है तो मुझे इन तीनों करेक्टर्स को डिलीट करना है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी थ्री। तो ये कॉस्ट इंडिकेट कर रही है कि मैंने तीनों करेक्टर्स को डिलीट कर दिए और जो टारगेट है वो जीरो मीन्स नल स्ट्रिंग पे मैप हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें डी जीरो कोमा जे को, तो ये इंडिकेट कर रहा है डी जीरो कि नल स्ट्रिंग को, सोर्स की जो नल स्ट्रिंग है उसको अगर मैं यहाँ पे बंद कर दे जीरो कर देता हूँ, तो सोर्स को नल स्ट्रिंग को टारगेट की नल स्ट्रिंग पे मैप कर दिया। अब D 01 कर दिया, इट मींस सोर्स की नल स्ट्रिंग को हमने टारगेट के पहले स्ट्रिंग पे ट्रांसफॉर्म करना है मींस H तक, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी इसकी इंसर्शन की, जबकि यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही थी वो इसकी डिलीशन की आ रही थी। सो H को हमने इंसर्ट करना है, यहाँ पे C को डिलीट कर दिया था, A को डिलीट कर दिया था, T को डिलीट कर दिया था। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करते हैं D 02, इट मींस सोर्स की नल स्ट्रिंग को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ एच ए पे, तो मुझे दो करेक्टर्स को इंसर्ट करना है, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी यहाँ पे टू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो थ्री आ जाएगी, नेक्स्ट करना है तो फोर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर ली। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए कि इस इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि हम टारगेट सोर्स के करेक्टर्स को रीड कर रहे हैं और जो टारगेट है वो है नल स्ट्रिंग, तो इट मींस कि मुझे इन सारे करेक्टर्स को वन बाय वन डिलीट करने हैं। अगर मैं सी को नल पे मैप कर रहा हूँ तो मुझे एक करेक्टर को डिलीट करना, तो उसकी कॉस्ट वन आ गई। तो अगर मैं आई की वैल्यू टू पे हूँ तो इसका मतलब है कि सी ए दो करेक्टर्स को डिलीट करना है नल स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। और अगर मैं सी ए टी, अगर आई की वैल्यू थ्री है तो सी ए टी तीनों करेक्टर्स को डिलीट करूंगा, तो सोर्स स्ट्रिंग दैट इज सी ए टी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी नल। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में इंडिकेट कर रहा है कि सोर्स नल स्ट्रिंग है और उसको अब हमने उससे ट्रांसफॉर्म करने है एच को, तो वन कॉस्ट आएगी। एच ए करेंगे तो टू कॉस्ट आएगी क्योंकि एच को इंसर्ट करने की वन कॉस्ट है, फिर ए को इंसर्ट करने की वन कॉस्ट है, तो ऐड करेंगे तो टू कॉस्ट हो जाएगी। थ्री को इंसर्ट करेंगे तो ऐड करेंगे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट वन है लेकिन कंप्लीट कॉस्ट, आपको याद है कि हम चाहते हैं कि डी एन कोमा एम, तो हमें असल में इसका डिस्टेंस कंप्यूट करना है कि इसको ट्रांसफॉर्म करने का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। इस वजह से हम यहाँ पे उस पूरी स्ट्रिंग को, सोर्स स्ट्रिंग को या सब स्ट्रिंग को टारगेट सब स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म करने की क्यूमुलेटिव कॉस्ट लिखते हैं। सो ये हमारे पास जब इनिशियलाइजेशन होगी, देन अब हम वन बाय वन मूव करेंगे कि फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एम, जे इज इक्वल टू वन एन टू एम, जो भी आप अप्रोच यूज करना चाहें इट्स अप टू यू। उसके बाद जब हम नेक्स्ट देखिएगा, अब अगर मैं ये वाला सेल कंप्यूट कर रहा हूँ, अब मुझे इस सेल की सेल को कंप्यूट करना है कि यहाँ पे देखिए फॉर
I is equal to 1 up to I dot m for j is equal to 1. So, मेरे पास अगर ये m आ रहे हैं और y एक्सिस पे n है, तो मुझे जब cos compute करनी है I की वैल्यू, वन है तो यहाँ पे थोड़ी सी नोटेशन चेंज हो गया, बल्कि यहाँ पे शायद अगर हम इसको जे कर लें और आई कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, लेकिन खैर इससे मैटर नहीं करेगा। आपको पता है कि अच्छा आपके सेल की वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप सेल इस सेल की वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहे हैं जिसकी जो लोकेशन है दैट इज डी ऑफ 1,1, इस सेल की कॉस्ट कैसे कंप्यूट होगी? आप देखेंगे के डी आई माइनस वन कोमा जे की क्या कॉस्ट थी और उसमें प्लस ऐड कर देंगे, फिर डी आई कोमा जे माइनस वन उसकी क्या कॉस्ट थी उसमें प्लस कर देंगे, और फिर अगर डी आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन प्लस टू ऐड करेंगे, अगर तो वहां पे ये दोनों करेक्टर सेम नहीं है, इट मीन्स इधर सब्सिट्यूशन हो रही है, और अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही तो कॉस्ट हमारे पास जीरो आ जाएगी, और इस तरह हम इसको कंप्यूट करते जाएंगे। जिस तरह अगर हम इसको यहाँ पे रन कर लें तो इस केस में फॉर डी 1,1 जो मेरे पास कॉस्ट आ रही है डी 0,1 की, उसमें प्लस वन ऐड करेंगे, फिर डी 1,0 उसकी प्लस कॉस्ट ऐड करेंगे डी 0,0, और अगर वो सब्स्टिट्यूशन है तो उसकी 2 कॉस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि और इसमें से जो मिनिमम है, तो अगर डी 0,1 तो 0,1 की कॉस्ट भी हमारे पास 1 है और 1,0 की भी कॉस्ट हमारे पास 1, और इनमें प्लस ऐड किया तो इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, देन 0,0 की जो कॉस्ट है दैट इज 0,0 प्लस 2 किया तो 2, सो इन तीनों में से की कॉस्ट 2,2 आ रही है तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस सेल की जो कॉस्ट आएगी वो 2 आएगी। होपफुली आपको एक ओवरव्यू मिल रहा होगा। सो इसी तरीके से करते करते इवेंचुअली हम तमाम के तमाम सेल कॉस्ट कंप्यूट कर लेंगे और एट द एंड हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास इंटेंशन था और एग्जीक्यूशन था, ये हैश का मतलब है कि हम नल स्ट्रिंग को नल स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे हैं, और ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेज थी जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हमने इंटेंशन को एग्जीक्यूशन में ट्रांसफॉर्म करना है तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि अगर आप ये कॉस्ट इंडिकेट कर रही है कि अगर आप आई को नल से रिप्लेस करते हैं, ये कॉस्ट इंडिकेट कर रही है कि अगर आपने आई और एन को नल से रिप्लेस कर दिया, ये कॉस्ट इंडिकेट कर रही है कि आई एन टी को, और इवेंचुअली ये कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने आई एन टी ई इंटेंशन कम्प्लीट को नल से रिप्लेस कर दिया तो आपको 9 डिलीशन करनी है और उसकी कॉस्ट ये आ रही है। सिमिलरली अगर आप एग्जीक्यूशन की देखें कि अगर हमारे पास टारगेट नल स्ट्रिंग है और मुझे एग्जीक्यूशन जनरेट करने तो ई को इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर एक्स को इंसर्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट 1, 1+1, 2 क्योंकि ई और एक्स हो चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे ई एक्स ई करना है तो 3 इंसर्शन होंगी तो यहाँ तक कॉस्ट 3 आ जाएगी, और इवेंचुअली अगर मुझे नल स्ट्रिंग से एग्जीक्यूशन जनरेट करना है तो मेरे पास जो कॉस्ट आएगी दैट इज 9। और अब हमें जो नेक्स्ट सेल को कंप्यूट करना है वो भी इसी तरीके से कंप्यूट कर रहे होंगे। सो एक दफ़ा अब हम देख लेते हैं कि इसका जो इंडेक्स आ रहा है वो है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरीके से जिसका इंडेक्स है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हमारे पास ये जो इंडेक्स आ जाएगा ये आ जाएगा 0,0,
देन इसको हम डिफाइन कर लेते हैं 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 एंड सो ऑन 7 0। इसी तरीके से और ये इनके जो हैं इंडेक्सेस, ये अब आपके पास आ रहा है 1 1 देन 1 2 1 3, ये इंडेक्सेस हैं 1 4 1 5 एंड सो ऑन। अब अगर आपको इस सेल की मीन्स D11 की कॉस्ट कंप्यूट करनी है D11 की, तो आप देखेंगे कि D01 D0 यानी I-1, I की वैल्यू 1 है तो ये 0 आ जाएगा, कॉमा 1, इसकी जो भी कॉस्ट होगी उसमें प्लस 1 करेंगे, फिर D आई की वैल्यू एज इट इज है दैट इज 1, J-1 मीन्स 0, इसकी जो भी कॉस्ट होगी उसमें 1 करेंगे, और फिर D 0, 0 और अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो 2 कॉस्ट ऐड करेंगे, और अगर एज इट इज है तो 0 कॉस्ट। तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि S1i इज नॉट इक्वल टू S2j, सो इस केस में 1 ये जो है E is not equal to I, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट है। अब हम अगर इसमें वैल्यूज पुट कर दें D 0 1 0 1, सो ये है 0 1, ये है 0 2, ये है 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9, सो इसकी जो कॉस्ट आ गई वो 0 प्लस 1 प्लस 1 2 आ गई। इसी तरीके से 1 प्लस 1 2 आ गई, ये 0 थी, 0 प्लस 2 2 आ गई। सो कोई भी मिनिमम तीनों इक्वल कॉस्ट हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। नेक्स्ट, अब अगर हमें कॉस्ट कंप्यूट करनी है दैट इज डी इस सेल की 1 2 मीन्स आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी, अब इसका इसके लिहाज से जो एक्सप्रेशन आएगा वो है मिनिमम। मिनिमम के लिहाज से हम देखते हैं कि डी आई माइनस 1 हमारे पास आ रहा है, आई की वैल्यू 0, तो 0, 2 की कॉस्ट उसमें प्लस 1, देन डी आई कॉमा आई की वैल्यू 1 है, देन जे माइनस 1, जे की वैल्यू 2 है, इसकी कॉस्ट प्लस 1, और देन डी आई माइनस 1 मीन्स 0 और जे माइनस 1 मीन्स 1 की कॉस्ट, अगर वो सब्स्टिट्यूशन है तो 2 अदरवाइज 0। सो अब इस वाले केस में आई और ई, आई और एक्स सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट 2 आ गई। नेक्स्ट, अब हम कंप्यूट करते हैं कि अगर मुझे इस सेल की कॉस्ट कंप्यूट करनी है सो इस सेल की कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए अगर आप देखें तो D02 की कॉस्ट हमारे पास आ रही है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, देन D11 की जो कॉस्ट आ रही है That is again 2 plus 1 is equal to 3, फिर उसके बाद है D01, ये 01 की कॉस्ट आ रही है that is 1 plus 2 is equal to 3, तो अगेन तीनों कॉस्ट सेम है तो हम यहाँ पे 3 कर लेंगे। इसी तरीके से जब आप इस सेल को कंप्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब मैं थोड़ा सा क्विकली कह रहा हूँ, इस सेल से अब यहाँ पे आपके पास आई आ रहा है और यहाँ पे ई है, इट मीन सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट 2 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे सिंपल इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करते हैं तो कॉस्ट 1 आ जाएगी। तो
चाहे आप इस पाथ से आ रहे हो, इस पाथ से आ रहे हो, या इस पाथ से आ रहे हो, तो आपके पास कॉस्ट आ रही होगी 4, 4, 4, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। इसी तरीके से अगेन आई को अगर आपने मैप करना है ई एक्स ई सी पे ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसकी भी जो कॉस्ट आएगी आपके पास यहाँ पे जो आ रही है, दैट इज आई और सी डिफरेंट है, तो यहाँ से जो कॉस्ट में 2 ऐड होगा, यहाँ से कॉस्ट में 1 ऐड होगा, 1 प्लस ऐड होगा, 5, 5 आ जाएगी, मिनिमम 5, तो 5 सेलेक्ट होगी। इसी तरीके से जब आप आई और यू की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस 1, इधर से प्लस 1, और देन यहाँ पे प्लस 2, 6, 6 आ जाएगा और इसकी कॉस्ट 6 आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे कंप्यूट करेंगे 6 प्लस 1, इधर से भी 6 प्लस 1, और यहाँ पे 5 प्लस 2, और इवेंचुअली आपके पास यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी 7। नेक्स्ट, अब जरा देखिएगा यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होती हैं कि इधर कॉस्ट क्या आ रही है। ये जो सेल है, ये जिसकी अब हम कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं, इसका नंबर है D1, 7, राइट। और इसकी कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए, बल्कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा था ताकि आपको D1, 7 इसकी कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, डी हमें कॉस्ट देखनी है DI-1 मीन्स D0, 7 की, और उसमें प्लस ऐड करना है, देन DI, J-1 मीन्स 1 प्लस 1, 6 और उसमें प्लस ऐड करना है, और देन DI-1, J-1 दैट इज 0, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 7 है, तो 0 माइनस 6 प्लस, अगर हमारे पास सोर्स वाली और टारगेट वाली दोनों स्ट्रिंग सेम है तो उसकी कॉस्ट 0 आएगी, तो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो इट मींस इसकी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 0। अब वैल्यूज पुट करते हैं, D07 इसकी जो कॉस्ट है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, दैट इज 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 आ गई। इसी तरीके से D16, तो डी ये है 1 और 6, इसकी कॉस्ट भी 7 है, 7 प्लस 1 किया 8 आ गई। नेक्स्ट उसके बाद है D06, ये है 06, इसकी कॉस्ट 6 है, 6 प्लस 0, 6, 6, तो इट मींस के इन में से मिनिमम कौन सा है 6, तो यहाँ पे अब 6 आ गए। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चीज काम कर रही है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, अब अगर हमें कंप्यूट करनी है कॉस्ट D18 की, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा D07 की कॉस्ट प्लस 1 D1, अगर मुझे कॉस्ट कंप्यूट करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा D08 की कॉस्ट, क्योंकि I-1 है, देन D07 की कॉस्ट प्लस 1 और D07 की कॉस्ट प्लस, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स डिफरेंट हैं आई और जीरो, तो इधर 2 की कॉस्ट आ जाएगी। अब जब आप कंप्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 08 की कॉस्ट, 08 की कॉस्ट आपके पास 8 है, देन आपके पास 1, 7 की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 6, सो 8 प्लस 1 आपके पास यहाँ पे 9 आ गई, 6 प्लस 1 दैट इज 7 आ गई, और देन 07 पे आपके पास कॉस्ट आ रही है 7, तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगी, एंड सो ऑन। सो अब यहाँ पे देखिए
इसी तरीके से यहाँ पे वो सारी की सारी सॉल्व हुआ हुआ है। आपके पास जो कॉस्ट आई यहाँ पे आई 2, 3, 4, 5, 6, 7 और देन आपके पास 6, 7, 8। इसी तरीके से फिर जब आप मूव करते जाएंगे तो आपने इसकी कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए इसको 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 देखना। सिमिलरली अगर आप इसकी कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं तो आपने इन तीन की बेस पे डिसीजन करनी है, जो भी इन तीन में से जिस पाथ पे सबसे मिनिमम आ रही है आपने उसको कंसिडर करना। सिमिलरली अगर आप इसको कंप्यूट कर रहे हैं तो आप देखेंगे इस पाथ से जिस पे सबसे कम आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको मूव करते हैं तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे आप देखिए कि राइट, सो यहाँ पे आप आ जाते हैं। अगर आप इस सेल की कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। इट मींस के जो सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट है वो नहीं आएगी और जीरो होगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास इतने पोर्शन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसमें एक कॉस्ट आ चुकी हुई है तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे और उसकी एक्सटेंशन में भी आपके पास टी आ रहा है और इसकी एक्सटेंशन में भी टी आ रहा है और दोनों सेम करेक्टर्स हैं तो क्या कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कॉस्ट सिमिलर, कॉस्ट चेंज नहीं हुई और आपके पास रिजल्ट वैसे ही आ रहा है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि जी ये देखिए मैं बात कर रहा हूं इस सेल की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सेल की। ये सेल इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉस्ट है #INTEN को #EXECU में ट्रांसफॉर्म करने की। ये क्या कॉस्ट है? ये कॉस्ट है इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने की। ऑटोमेटिकली अगर मैं इस सेल की बात करता हूँ तो ये इस सेल की जो कॉस्ट है फॉर से को क्लैरिटी इसका मैं कलर अगर चेंज कर लूँ तो आप सो अगर इस सेल की कॉस्ट अगर आपने कंप्यूट करनी है तो ये सेल की कॉस्ट होगी इन की ट्रांसफॉर्मेशन इन करेक्टर्स में, राइट right? सो अब क्योंकि हम बात कर रहे थे इसकी, तो अब इस पर्टिकुलर केस में जब हम #INTEN से एक और एक्स्ट्रा करेक्टर की तरफ जाएंगे दैट इज टी और टारगेट में भी सेम करेक्टर आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन हुई नहीं, इंसर्शन हुई नहीं, डिलीशन हुई नहीं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी भी कॉस्ट यहाँ पे सेम ही रही। सिमिलरली जब आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है कि #INTENTI की जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है EXECUTI पे तो दोनों करेक्टर सेम है तो कॉस्ट सेम ले रही है और जैसे जैसे सेम करेक्टर आते जा रहे हैं कॉस्ट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।